हेलो माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कमेंट सेक्शन में कुछ मेरे पास इस तरह के कमेंट आए हैं कि मैम वीडियो बनाइए कि घरेलू महिलाएं बचत कैसे करें, कम पैसों में घर कैसे चलाएं अपना, और चार पैसे की सेविंग किस तरह से करें। देखिए, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ ऐसी है क्या जो कम हो रही हो? सभी चीज़ों के भाव बढ़ ही रहे हैं ना। तो सोचिए फ्रेंड्स कि हमको किस तरह से अपने घर को चलाना चाहिए, इस तरह से कि हमारा जो खर्चा है वो जो इम्पोर्टेंट खर्चा है वो ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपको बच्चों की फीस देनी है, देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हम कहाँ हम बचत कर सकते हैं और वो हमें करनी चाहिए, तो आज मैं आपके लिए 5 टिप्स लेकर आई हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हम हाउसवाइफ्स, होममेकर्स, विमेन किस तरह से घर के जो खर्चों के अंदर कमी करते हुए, थोड़ी कमी करते हुए गैर जरूरी खर्चों पर बचत किस तरह से करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। लेट अस स्टार्ट। सबसे जो पहला पॉइंट है ना फ्रेंड, वो ये है कि ईएमआई पर कभी भी कुछ भी ना लें। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, सब ईएमआई पर ये जो है दम तोड़ रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है कि किश्तों का बोझ इतना ज़्यादा है। भले एक रोटी कम खा लें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, कोशिश ये करें कि ईएमआई पर कोई चीज़ ना लें। और अगर आपने ईएमआई पर कोई चीज़ ले भी ली है, तो कोशिश करिए कि वो ईएमआई टाइम से कंप्लीट करके उतना ही पैसा, आपको ये सोचना है कि ईएमआई चल रही है, और वो पैसा कहीं सेविंग में डालते रहिए, उसको पैसे को री इन्वेस्ट करते रहिए। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 फॉर टूडे। पॉइंट नंबर 2 इज जो गैर जरूरी खर्चे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनके ऊपर रोक लगाना शुरू कर दीजिए। गैर जरूरी खर्चे कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा शॉपिंग का खर्चा, खाना कोशिश करिए घर में ही बनाइए। लेकिन अगर ठीक है, कभी मैं मानती हूँ बच्चे भी हैं, कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, तो कोशिश ये करिए जो चीज़ बाहर जैसी मिलती है उससे अच्छी घर में बन सकती है। कोशिश करिए घर बनाइए कि कभी चेंज की इच्छा होती है तो मंगा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर इस चीज़ को अवॉइड करिए, कम करिए। अगर बिल्कुल बंद करना पॉसिबल नहीं भी है तो कम करने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये आता है कि कई बार क्या होता है, हम बड़े ही होते हैं ना, हमें ही लगता है अरे वहाँ सेल चल रही है, यहाँ चले वहाँ चले। उस समय क्या होता है, विंडो शॉपिंग के अंदर आप भी कुछ सामान लेते हैं तो बच्चे भी, बट ऑब्वियसली उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि तुम ये चीज़ मत लो, तो वो भी और एक अच्छा खासा वाला आपका बिल बन जाता है। और उस बिल को लगता तो है आपको सेल है, ये 12,000 का सामान 6,000 में मिल रहा है, पर 6,000 रुपये भी जो जा रहे हैं ना, वो जा घर से ही रहे हैं, घर के बजट से ही जा रहे हैं। एक वो जो पैसे आप कहीं और अच्छी जगह लगा सकते थे, किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते थे, वो आपने, और ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी ना कभी ये इन लोग का तो काम होता है, सेल चलती रहेगी कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए या कौन सी चीज़ हमको नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आज पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कहीं नज़दीक में जाना है तो आप इस अपने एक्टिवा को बस निकालिए, पैदल चले जाइए। देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग कितना कितना पैदल चलते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स, और एक वो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दोनों तरह से ही अच्छा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर देखिए, कोई भी इस तरह से छोटा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कहीं आप कुछ थोड़ी समझदारी करके बचत कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती। बचत एक ही आदमी का काम नहीं है, घर में सबका काम है। शुरू करिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को भी ये चीज़ समझाइए कि फालतू बिजली पंखे चालू ना रखें, क्योंकि एक अच्छा खासा मोटी रकम आ जाती है फिर बाद में बिजली के बिल की। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, वो जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल भी बाद में आप ही को देना है, उसका बिल भले ही देना है, द मनी इज़ योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। कोई भी चीज़ से कहीं भी तरह से वेस्टेज मत करिए। टाइम से जहाँ अगर आप बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लाइट पंखा चालू है, लेकिन आप जैसे उठ के जाते हैं बंद करके जाइए। भले आप 2 मिनट के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए भी वेस्टेज नहीं करना बिजली का। नल पानी की एक एक बूंद कीमती है। अगर आपको पानी नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप ब्रश कर रहे हैं नल चालू है, बंद कर दीजिए उस वक्त नल को। बर्तन धुल रहे हैं उस वक्त भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। अपने मेड्स को भी ये चीज़ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि पानी टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी बह रहा है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत कोसता है। क्योंकि कई लोग, कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग, औरतें इतनी इतनी मटकी लेके जाती हैं और पानी लेकर आती हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन पे। आपको लगता है ये चीज़ सस्ती मिल रही है, आज 50% डिस्काउंट है, यहाँ पर तो एक ग्रॉसरी एक्स्ट्रा मंगा के घर रख लेती हूँ। नहीं, ओवर स्टोरेज मत करिए, आपको जितना ज़रूरत है उतना रखिए। थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए रख लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा राशन, लेकिन
ओवर स्टोरेज, छः छः महीने साल साल भर का राशन इकट्ठा लेकर के इकट्ठा मत करिए, क्योंकि होता क्या है कई बार उनको आप नहीं संभाल पाती। अभी जैसे बारिश का सीजन आ रहा जुलाई अगस्त, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, बार बार धूप दिखाएं उनको, परेशान हो, आप खुद भी परेशान हो जाती हैं ओवर स्टोरेज करने के चक्कर में। फिर उनको कंटेनर्स लाइए, उनको संभालिए, नहीं संभाल पाएंगी तो वो खराब होंगी, वो आपकी बचत नहीं होगी, उससे बल्कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। और अगर आप खराब चीज़ यूज़ करती हैं, बीमार पड़ गए तो वो हेल्थ इशू अलग हो जाएगा, फिर डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है? बिल्कुल एक लिमिट से चलिए ना सब चीज़ों को लेकर के। शॉपिंग भी लिमिट में करिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है ले लीजिए। बच्चे बड़वार में होते हैं, उनके कपड़े छोटे हो रहे, दिला सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, कई लोगों को मैं देखती हूँ मतलब इकट्ठे होते रहते लाते जाते, कई तो पहनने में भी नहीं आते पूरी पूरी साल भर कपड़े, लेकिन ला के रखते रहते हैं। फैशन के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ चलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ का ओवर स्टोरेज मत करिए, डंप मत करिए। आपको खुद ही ध्यान नहीं हो कि भाई ये चीज़ मैंने इतने टाइम से नहीं पहनी, पीछे दबी पड़ी है, वो चीज़ मत करिए। लीजिए, शौक पूरा करिए अपना, लेकिन उस चीज़ के पीछे वेस्टेज मत करिए। क्योंकि कहते हैं ना, पैसा ही को जलाना कहते हैं इसको। जो पैसा कोई आप चला करके जाके चूल्हे में पैसा जलाते हैं कभी गैस स्टोव पे? नहीं। लेकिन हम इस तरह से पैसा कितना वेस्ट कर देते हैं, हमको ये चीज़ पता ही नहीं चलती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो पैसा हमारा सेव होकर के आपके बैंक अकाउंट में अगर जाएगा तो आपको उससे इंटरेस्ट मिलेगा। सारे जरूरी खर्चों के बाद हमेशा आप बीइंग अ हाउसवाइफ ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ थोड़ी बचत ज़रूरी है। और वही बचत से जो बचत होती है ना, वो हम कभी कभी इमरजेंसी फंड के रूप में, कभी आपके हस्बैंड को ज़रूरत पड़ गई अचानक, आज पैसे बैंक बंद है, ATM कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे, कैश खत्म हो गया वहाँ पर, तो उस समय वो बचत उस दिन बहुत कम आती है। याद रखिएगा मेरी बात को, और फ्रेंड्स शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.